नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं मौजूद हूं टांडा चौक में। आपको बता दें, भाजपा का नगर अध्यक्ष इन दिनों सुर्खियों में है। 26 जनवरी के बाद, झंडा रोहण के बाद, भाजपा कार्यालय पर देर से होने के बाद विवादों में गिरे भाजपा के नगर अध्यक्ष का एक आईडियो वायरल हुआ। आईडियो वायरल होने के बाद बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं। आज भाजपा जिला अध्यक्ष से हमारी बात हुई। भाजपा जिला अध्यक्ष ने सीधे तौर पर कड़े शब्दों में यह कहा है कि कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कतई बर्दाश्त नहीं है। जैसे सीधे चलते हैं, पीड़ित जो भुक्तभोगी है भाजपा से जुड़ा रहा। पहले तो अपना परिचय देवे, क्या है पूरा मामला? मेरा भाई साहब, मेरा नाम दिनेश कुमार अप्पू सोनी है। मैं भाजपा का पिछड़ा मोर्चा नगर अध्यक्ष हूँ जी। मैं अनुराग जायसवाल जी उनसे पैरवी कराया था 2 से 2.5 महीना पहले भाई साहब। तो उनको मैंने पैरवी मेरा काम किए थे, उन्होंने तो मैंने उनको एक मोबाइल उनको गिफ्ट किया था। करीबन एक आध महीना पहले उन्होंने मेरे घर के पास आए। मेरे घर के पास आकर फिर मुझसे उन्होंने 20,000 रुपया उधार मांगा। मेरे पास पैसा नहीं था 20,000 रुपया, 11,000 रुपया था। मैंने उनको 11,000 रुपया दिया। उन्होंने 3 दिन बाद मुझसे कहा था कि हम वापस कर देंगे। 3 दिन बाद वापस ना करके वो मेरे घर के पास आकर मुझसे 5,000 रुपये का डिमांड और किए। तो मैंने 5,000 रुपया और दिया, कहने के मैं दे दूंगा आपको, हफ्ता 10 दिन लगेगा, मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा। बहरहाल वापस तो पैसा मेरा नहीं कि मैंने मांगते हुए वापस भी नहीं कि मैं मांगता रहा उनसे, पैसा वापस नहीं किए। फिर जब मैं उनसे कहा कि भाई साहब मेरा पैसा दे दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ, बार बार मुझको थाना और कोतवाली की धमकी दे रहे हैं कि बार बार तगादा करोगे फर्जी मुकदमे में उठा के जेल भेजवा दूंगा। अनुराग जायसवाल नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी टांडा बार बार कह रहे हैं कि आपको उठा के जेल भेजवा दूंगा अगर हमसे करोगे, क्योंकि शहर में हमसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है, इसको जो चाहते हैं कर देते हैं। हम नगर अध्यक्ष हैं, नगर हमारे हिसाब से चलेगा, ना कि थाना पुलिस से। इसलिए खामोश रहो, उसी में तुम्हारा फायदा है, इसलिए हम खामोश हैं। मैंने अपने पद से भी इस्तीफा दे दिया, इन्हीं के कारण मैं कोई कार्यक्रम में न जाता हूँ न आता हूँ भाई साहब, क्योंकि डर लगा रहता है कहीं नगर अध्यक्ष फर्जी मुकदमे फंसा के मुझको जेल न करवा दे। मुख्यमंत्री से क्या मांग करेंगे? हमारी मांग यही, इनके ऊपर इनको पद से तत्काल इनको बर्खास्त किया जाए और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो और इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। दोस्तों, अब भाजपा के नगर अध्यक्ष जो विवादों से इंदौर घिरे हैं, क्या ऐसे में 2024 का बेड़ा पार होगा? 2024 का चुनाव सर पर है, 10 फरवरी के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। आपको बता दें, 2022 के विधानसभा चुनाव में टाना नगर में बीजेपी की दुर्गत हो गई, इसके बावजूद भी आप समझ सकते हैं क्या इसी संगठन के भरोसे बीजेपी नगर में फतह कर पाएगी? ये बड़ा सवाल है। बीजेपी के नगर अध्यक्ष के द्वारा आए दिन विवादों का घिरा रहना, क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आरोप गंभीर लगाए जा रहे हैं? ऐसे बड़े जांच का विषय। आज हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष से बात हुई और उन्होंने कड़े शब्दों में उक्त प्रकरण की जांच कर कार्रवाई की बात कही है। खैर जो भी हो, एक के बाद एक वीडियो वायरल हो रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता ही असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। क्या ऐसे में 2024 के चुनाव फतेह हो पाएंगे? यह बड़ा सवाल है। कमेंट करें, ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे मुख्यमंत्री तक यह बात जा सके। मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, देश न्यूज, अंबेडकर नगर। Thank you.